औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका होस्ट यासीन अक्सी न्यूज़ के प्रोग्राम एजुकेशन सीरीज में हम आपको खुशामदीद करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं राव मोहम्मद अकबर साहब, साबिक सिविल जज हैं, कानूनदान हैं और बच्चों के एजुकेशन के हवाले से मुख्तलिफ तसानीफ लिखते रहते हैं। आज हम बात करेंगे बच्चों के कम्पटिशन के एग्ज़ाम के हवाले से, सी एस एस पे के एग्ज़ाम के, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम के हवाले से। गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने बात की थी एमपीटी। सर थोड़ा तफसील से बता दें हमें ये एमपीटी क्या है, उसका लास्ट टाइम मुखफ़त तो बताया था लेकिन इस एमपीटी का तफसील से मतलब बता देंगे और इस एमपीटी में आने वाले सवालात किस किस्म के होते हैं, किस नौयत के होते हैं, वो ज़रा हमें तफसील से बता दें। बहुत शुक्रिया सर। एमपीटी का मतलब मल्टीपल चॉइस बेस्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट जी। एक्चुअली पिछले 16 से लेके 2016 से 21 तक सी एस एस के रिजल्ट 2.00 से तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 4.77 तक गए हैं जी। तो कभी 2.00 कभी 3.00। तो वो उन्होंने फिर ये देखा कि 12,000 और 17,000 बच्चा अपीयर होता है और 200-300 पास होते हैं, तो रिज़ल्ट की एवरेज जो है वो 2-3% आती है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे जो अपीयर हो जाते हैं वो एक्चुअली इस काबिल नहीं होते कि वो सी एस एस में अपीयर हों। तो फिर हुकूमत ने सोचा कि बेहतर ये है कि पहले कोई एक ऐसा टेस्ट रख दिया जाए कि हर बच्चा ना उसमें अपीयर हो ताकि प्रॉब्लम पैदा ना हो। तो फिर ये एमपीटी एक शुरू किया गया और इसमें मल्टीपल चॉइस होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें इतनी वसत होती है कि इसमें रंगों की दुनिया है, कायनात है, फिर कायनात के मुख्तलिफ मज़ाहिर हैं, फिर कहकशाएँ हैं, सैारे हैं, इंसान है, कुर्रे अर्ज़ है, पहाड़ है, सहरा है, गर्ज़े के इंसान है, रूह और बदन है, गज़ाएँ हैं वगैरह वगैरह। तो कोई भी दुनिया का ऐसा हिस्सा नहीं है कि जिसमें में से सवालात वहाँ ना आ सकते हों। हाँ, जनरल नॉलेज ठीक है। तो वो हम लोग ये समझते हैं कि पता नहीं वो एक गाइड लेके या खुलासा या उनसे हम तैयारी कर लेंगे, वो नामुमकिन है। हमारे इलम में इतनी वसत होनी चाहिए, उसकी वजह कि जो तालबे इलम सी एस एस करके जिन पोस्टों पे जाएगा वो एसपी बनेगा या वो डीसी बनेगा, तो उसने दुनिया को जब डील करना है, मुआशरे को डील करना है, तो उसको हर चीज़ का कुछ ना कुछ इलम होना चाहिए। तो यही वो लोग जो हैं जिनको मतलब हर हम जहती इलम हासिल हो वही कामयाब व कामरान हो सकते हैं। मैंने देखा है कि एक वाक़या कि एक एसी साहब थे, वो डॉक्टर भी थे और वो एक मौके पे गए तो शख्स ज़ख्मी हो गया, तो उन्होंने वो एसी शिप तो थी सो थी, उन्होंने सबसे पहले तो फर्स्ट एड दी उसको। अब आप देखें ना कि कोई ताल्लुक नहीं है, एसी को डॉक्टर भी होना चाहिए। हाँ, तो इसलिए वो कुछ ना कुछ वो अशखास जो पास होते हैं आपके सी एस एस करके आते हैं, तो इसलिए उनको मुख्तलिफ किस्म के ऐसे अलूम, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उन अलूम में डेप्थ उनकी होनी बड़ी ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो इलम है आम तौर पर सतही होता है, डेप्थ नहीं होती। इसके लिए एक दिलचस्प मिसाल मैं बताऊँ कि एक दफ़ा अकेडमी में एक शख्स आया तो मैंने पूछा, मैंने कहा जी हज़रत ईसा की वफ़ात को कितने साल हो गए, वो जवाब नहीं दे सका। और मसलन आज अगर सवाल किया जाए कि जी हज़रत ईसा की वफ़ात को कितने साल हो गए, तो इसका मतलब ये है कि उसको एडी का पता नहीं है कि हमारा जो सन ईसवी है ये एडी कहलाता है आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। तो सीधी सी बात है कि जनाब 2024 साल और 13 दिन हो गए। अब देखिए ये चीज़ जो है, अगर आप मुख्तलफ रूम हासिल करेंगे और पढ़ेंगे, उनको डेप्थ से पढ़ेंगे, गहराई से पढ़ेंगे, तो फिर ये चीज़ें आपके सामने आएंगी। अब वो अगर एडी रट लें, उनको पता ही ना हो कि एडी का मतलब क्या है, एडी आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट और बीसी बिफोर क्राइस्ट है, तो ये आमतौर पर उनको पता नहीं होता। तो इसलिए उसमें आपका मुतालिया जो है वो हर किस्म का, मतलब अगर वो ये देखना चाहते हैं कि अगर आपको मुतालिया का शौक़ है और मुख्तलिफ चीज़ें आप पढ़ते रहते हैं, मज़हब भी पढ़ते हैं, आप कायनात के बारे में भी पढ़ते हैं, आप कक्षाओं के बारे में भी पढ़ते हैं, आप मज़हब के बारे में पढ़ते हैं, आप कुरान भी पढ़ते हैं, हदीस का भी मुताला करते हैं, तो फिर ये है कि आप
इस काबिल होते हैं कि वो इम्तिहानात दे सकें। अच्छा, यहाँ से एक छोटा सा सवाल है सर। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान जो है वो मुसलमान और गैर मुसलम तमाम मज़ाहिब के लोग यहाँ पर रिहाइश पज़ीर हैं, वो उनका मस्कन है, उनका घर है। तो दीगर मज़ाहिब से आने वाले अपीयर होने वाले जो लोग होते हैं सी एस एस में, उनके अगर सवाल कुरान मजीद और उससे रिलेटेड किया जाए तो वो तो उसका जवाब देना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में सी एस एस का क्या होगा? नहीं देखें, मुमकिन होगा, क्यों मुमकिन नहीं होगा? गैर मज़ाहिब के लोग जो हैं वो भी हमारे इस्लाम को स्टडी करते हैं और करना भी चाहिए। मैं यूके गया एक सिलसिले में, ब्रिटिश काउंसिल ने हमें भेजा था एक 15 दिन के लिए, और 15 दिन के लिए उनके स्कूल की एक खातून मेरे स्कूल में आई थी। वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पर जो बुनियादी मज़ाहिब सारे जो हैं, प्राइमरी लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ प्राइमरी लेवल पर भी वो तमाम बुनियादी मज़ाहिब पढ़ाते हैं। उन्होंने 5वीं जमात तक बच्चों को बुद्ध मत भी पढ़ाया, उन्होंने ईसाइत भी, उन्होंने यहूदियत भी, उन्होंने इस्लाम भी, और इस्लाम की बाकायदा किताबें मैंने वहाँ देखी, तो वो बच्चे पढ़ते हैं सारे। जी बहुत शुक्रिया। अब एमपीटी एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए एज का तायुन किया है, मिनिमम और मैक्सिमम बताएं। मिनिमम 21 साल है जी, 21 साल से कम ही अपीयर नहीं हो सकते, और मैक्सिमम 30 साल है और 30, और उसमें 2 साल की रियायत होती है। तो एक तो ये है कि अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो 2 साल की रिलैक्सेशन उसको मिल जाएगी, उसके लिए भी 32 हो जाएगी, 32 हो जाएगी। और इसी तरह जो कुछ कबायली हमारे इलाके जो हैं, राजनपुर वगैरह के जो कबायली इलाके, हाँ जी हार्ड एरिया, तो उन लोगों को भी रियायत मिल जाती है 2 साल की। सर इसके अलावा दीगर मजाहिब के जो लोगों के लिए कोई खास कोटा मुकर्रर होता है कि भाई इतने परसेंट कोटे पे वो इसमें एमपीटी एग्जाम में सीएसएस के लिए अपीयर हो सकते हैं, या सबके लिए यकसम वाक़े? सबके लिए यकसम वाक़े जी। अच्छा, हाँ जी ठीक हो गया। बाज़ोकात कोटे की सीटें भी होती हैं, कोटा की सीटें भी होती हैं, कोटा की बाज़ोकात, ये डिपेंड करता है कि जो एड आएगी आपकी उसमें उनका उस वक़्त क्या रोल है और क्या उनका ख्याल है। जी जी, यानी कि जो वैकेंसीज पब्लिश होती हैं अखबार में उसमें वो वजाहत कर दी जाती है कि इसमें किस कोटे से होगी। जी बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। आप ये बताएंगे कि फेल होने की सूरत में एमपीटी टेस्ट में कैंडिडेट अपीयर होता है, वो फेल हो जाता है, उसके लिए अगला प्रोसीजर क्या होगा? अगला वो अगले साल फिर अपीयर होगा, साल बाद? तीन, हाँ जी, साल बाद डेफिनेटली। साल से पहले अगर नहीं, उसके बाद साल से पहले कोई चांस नहीं उसके लिए, क्योंकि वो 2024 वाले हो चुके, अब जिसने भी अपीयर होना है वो 2025 में अपीयर होगा। तो वो चांस जब वो एमपीटी में रह गया तो फिर उसका वो साल जो है वो चला गया, ज़ाय हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद एमपीटी में आने वाले जो सवालात के हवाले से मार्केट्स में कोई ऐसी किताबें, कुछ सिलेबस, कुछ तो ऐसा होगा जहाँ से कोई रहनुमाई मिल सके, गाइडलाइन मिल सके तलबा तालबात को, वो थोड़ा हमें गाइडलाइन दे देंगे? सर मैं तो ये समझता हूँ कि बच्चे को अभी हम जब वजूहात डिस्कस करेंगे तो उसमें वो बात सामने आ जाएगी। बात यह है कि मुतालिया बड़ा वर्सटाइल किस्म का सा होना चाहिए बच्चे का, वो तमाम मौजूआत, तमाम कायनात उसका सिलेबस है, तमाम मज़ाहिब उसका सिलेबस है, सारी हमारा कुरे अर्ज जो है उसके सारे पहाड़, उसकी सहरा, उसके समंदर, तमाम ममालिक, तमाम ममालिक की करेंसी, ये सारी दुनिया जो हमारे इर्द गिर्द की दुनिया है, ये सारा उसका सिलेबस है। ठीक हो गया। ये जो परसेंटेज आपने बताई है कि 2.00 से लेके 4.07 तक जो है वो पास होने की इस वक्त परसेंटेज सामने आ रही थी, तो ये इंतहाई पुअर तरीन परसेंटेज है, इसकी असल बुनियादी वजूहत क्या है? बच्चे इतने ज़्यादा तनासब से फेल और इतना पुअर रिजल्ट क्यों आता है? सर एक तो पहली वजह तो मैं समझता हूँ कि हम इम्तिहान के बुनियादी मकासद को नहीं समझते, ठीक है, कि वो कुछ और देखना चाहते हैं हमें, हम कुछ और लिखना चाहते हैं और कुछ और करके आते हैं। मसलन मज़मून लिखने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो हमने सुबह की सैर पे उन्होंने कह दिया या कोई भी टॉपिक ले लिया और वो हमने वो लिख दिया उस पर जो कुछ भी लिखना था। उसके जो पस मंज़र में एक्चुअली हमारा जो मसलन, मुझे एक स्टूडेंट का याद है कि IR का कोई सब्जेक्ट उसने चुन लिया और ऐसे लिखा और ऐसे में उसको 10 नंबर मिले, मवाद उसने बहुत ज़्यादा दिया, बहुत ज़्यादा अच्छा मवाद था उसका, लेकिन हुआ क्या
कि ऐसे का मकसद होता है कि आप अपना इजहार ख्याल करेंगे, आपके अपने जज्बात, एहसास, आपका एनालिसिस, ये उसमें कुछ भी नहीं था जी। वो मालूमात तो उसने ठोंस दी, उसमें मालूमात से वो भर दिया जी। तो वो पॉलिटिकल साइंस का सवाल तो था, आईआर का सवाल तो था, लेकिन वो ऐसे नहीं था। अच्छा, तो ऐसे की कुछ और रिक्वायरमेंट होती हैं। तो एक तो ये है कि हम उन बुनियादी मकासद को नहीं समझते जी। दूसरा, जैसे मैंने एक मिसाल पहले अभी आपको दी कि हमारा मुतालिया बड़ा सतही होता है, तो सतही मुताले से हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। हमें ओवरऑल मतलब हर टॉपिक पे, और फिर अपने सिलेबस तक महदूद ना रहें। कोई सिलेबस नहीं है, सारी दुनिया आपका सिलेबस है। ठीक हो गया। जो चीज़ भी है आंखें खोल के रखें। कलाम पाक में जगह जगह आया है कि आप आंखें खोल के रखें, अपनी देखें दुनिया को, ठीक है। और बल्कि कुल सिरोफिल अर्ज़ कलाम पाक में कि मेरी दुनिया को देखो, बल्कि यहाँ तक भी आया है कि ये लोग मेरी दुनिया को घूम फिर के नहीं देखते, लगता है कि इनकी मौत करीब आ गई है। तो कुरान तो उसको मौत कहता है अगर आपकी आंखें खुली नहीं है तो। जी बिल्कुल। अब तक जो बच्चों के जहन में, या बल्कि मेरे भी जहन में ऐसे था कि सीएसएस में अपीयर होने के लिए कोई किताब, कोई ऐसी चीज़ मौजूद होगी जिसकी तैयारी करके, चाहे जनरल नॉलेज की क्यों ना हो, वो जाना चाहिए। तो मार्केट में जितनी ये बुक्स, किताबें या इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, ये फिर किस किस्म की तैयारी ऐसी करवाते हैं जो कि बच्चों के इम्तहान से। सर, लाहौर की एक अकेडमी में मैंने एक सवाल किया कि ख़ास तौर पे वो इंग्लिश के बारे में था कि आप तैयारी कैसे करवाते हैं। तो बहरहाल खैर वो लंबी डिटेल हो जाएगी जो फिर जब इंग्लिश पे हम बात करेंगे तो बात होगी, लेकिन उनका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। इसलिए दूसरी बात ये है कि मैं ये तलबा को बताता हूँ कि अकेडमी में जाएँ, ज़रूर जाएँ, लेकिन पहले ये देख लें कि क्या वो अकेडमी इस काबिल है, ठीक है, और वो आपको तैयारी करवा सकती है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि देखें, जितने बच्चे भी तालिबे इल्म इम्तिहान में अपीयर होते हैं, उनमें से 50% तो यकीनन अकेडमीज ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और अगर अकेडमीज अपने 10% बच्चे भी उनके पास हों तो रिजल्ट 10% तो आए, 5% तो आए, 5% तो रिजल्ट कभी भी नहीं आया। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अकेडमीज की कारकर्दगी क्या है। 5% भी रिजल्ट कभी नहीं आया, जबकि कम से कम इम्तिहान देने वाले बच्चे 50% बच्चे एकेडमी ज्वाइन करते हैं, और ये कोई शक नहीं है इसमें। अच्छा, वजह क्या है जी कि खास तौर पे हम एमपीटी के बारे में बात करते हैं कि एमपीटी में इन्होंने जो चॉइस सवाल जवाब दिए होते हैं मुख्तलिफ किस्म की, जो मार्केट में किताबें अवेलेबल हैं जी, वो सर याद करने के लिए मुनासिब नहीं है। वो आप अपना ज़्यादा लेना चाहें उसके लिए मुनासिब है, ठीक है, कि आप अपना ज़्यादा लेना चाहें तो वो आप ज़्यादा ले सकते हैं उन सवालों से कि मैं क्या जानता हूँ क्या नहीं जानता जी, बिल्कुल। लेकिन अगर आप ये कहें कि उसे याद कर लूँगा, अब उसमें क्यों याद नहीं होता, लॉजिकल बात है कि एक सवाल आएगा वो सजदा कादा क्या है, क़याम क्या है, रुकू क्या है, सजू वगैरह वगैरह। अच्छा, अगला सवाल जो है वो किसी पहाड़ के बारे में हो सकता है, अगला सवाल किसी सहरा के बारे में हो सकता है, तो वो इतना इलॉजिकल है, उनका आपस में कोई सीक्वेंस नहीं है, वो जोड़ नहीं बनता, वो चीज़ें याद रखने के लिए नहीं है। वो याद नहीं रह सकती। याद आपको कैसे रह सकती है कि नमाज आपने अल्लाह अकबर कहा, आपने नमाज शुरू की, नमाज की जितनी हालतें हैं एट ए टाइम एक वक्त में, अगर आप उन सारी हालतों से गुजरें तो वो आपको याद रहेगी सीक्वेंस में जी, बिल्कुल ऐसे। उसकी वजह कि वो एक दूसरे के साथ जुड़ती चली जाएगी। तो जब चीज़ आप पढ़ना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, तो वो इस तरह से याद रखें, वो आपके टेस्ट के लिए तो मुनासिब हैं वो किताबें, ठीक है, लेकिन इस मकसद के लिए नहीं है जी। बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे कि ये जो तनासब है तुलबा के एमपीटी टेस्ट में फेल होने का, ये तनासब की असल वजूहात क्या हैं जिनसे तुलबा को इज्तनाब करना चाहिए, वो कोई हिदायत, वो कोई इंस्ट्रक्शन हमें बता दें हमारे बच्चों को। सर, एक तो ये है कि ये मुतालिया में बड़ी वसत होनी चाहिए, ठीक, हमारा बड़ा महदूद मुतालिया होता है, ठीक है, हम गाइडें और खुलासे पढ़ते हैं इनकी बजाय हमें कंसर्न, बल्कि बाज़ औक़ात तो हम लोग इन्हसार कर लेते हैं बस यूट्यूब वगैरह पर ही जी। तो मतलब अथेंटिक बुक्स पढ़नी चाहिए, वसी मुताले होना चाहिए, ठीक है। फिर मुताले के अपने तरीके हैं, बाज़ औक़ात मुताले से आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, आपको वो याद नहीं रहता, फिर आपको मुताला करते वक्त हाफसे पे भी गौर करना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो उनको आपके हाफसे का हिस्सा बना दें। वो बाज़ औक़ात ये भी है कि हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन याद हमें कुछ भी नहीं रहता, ठीक हो गया।
जी नाज़रीन, बहुत शुक्रिया राव मोहम्मद अकबर साहब का जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। और मुकाबले का इम्तहान फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात में अपीयर होने वाले बच्चों को और बहुत मुफीद गाइडलाइन दी। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। रिस्क अल्लाह के हाथ में है और कभी कभी रज़ाक रिस्क की तकसीम का एहसास उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है। हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबले फख्र सरमाया है और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियां बनते हैं।